चीन के वुहान सिटी से निकलकर लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के बाद भारत पहुंचे नोवेल कोरोना वायरस ने आज प्रत्येक भारतीय की जान को हलक में डाल दिया है। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी देश इससे लड़ने वाली वैक्सीन की खोज नहीं कर सका है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। आइए जानते हैं कोरोना को शुरुआती दौर में हराना क्यों ज़रूरी है, क्या है इससे बचने के उपाय और कौन कौन सी सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि इसको शुरुआती दौर में ही ख़त्म कर देना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, चीन और इटली के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और बहुत बुरी तरीके से आर्थिक रूप से भी इन दोनों देशों को नुकसान हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि लगभग 3 महीने लंबी जंग के बाद चीन ने अब जाकर लगभग कोरोना को काबू में कर लिया है। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से चाइना और इटली में वायरस लगातार बढ़ते बढ़ते एक बड़े स्तर पर पहुंचा था, अगर हमारे देश में शुरुआती चरणों में इस वायरस को काबू में नहीं किया गया तो चाइना और इटली से कई गुना ज़्यादा बुरा हाल हमारे देश का हो सकता है। क्योंकि हमें ये बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी हमारे देश में शहरों से ज़्यादा आबादी हमारे गाँव में निवास करती है और हमारे देश में गरीबों की संख्या एक बड़ी संख्या में है, और हमारा देश चाइना और इटली की तरह उतना विकसित नहीं है कि एक बड़ी संख्या में हम लोगों को एक साथ इलाज मुहैया करा सकें। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चाइना में वायरस को काबू में लाने के लिए टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कि भारत से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। ज़रा सोच कर देखिए, अगर हमारे देश में लगातार वायरस से लोग ग्रस्त होते चले गए और ये संख्या 1-2 लाख हो जाती है तो हमें इस स्थिति में निपटना असंभव हो जाएगा और एक बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आगाह करना है कि हमें आज से और अभी से पूरी तरीके से सजग होने की आवश्यकता है और इस कोरोना वायरस को हर हाल में शुरुआती दौर में ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि ये जंग शुरुआती दौर में ही जीतना अनिवार्य है। इसलिए हमें भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सरकार द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को पूरी जिम्मेदारी से समर्थन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना है और सोशल मीडिया से फैल रही बहुत सी अफवाहों से भी बचना है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो पहले उसके बारे में पड़ताल करने के बाद ही आगे शेयर करें। आज प्रत्येक भारतीय को अपने देश को बचाने के लिए और मानव जाति को बचाने के लिए देश का नेतृत्व करने वाला बर्ताव करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि इससे बचना कैसे है। ज़्यादातर ऐसे केस देखे गए हैं जिनमें ये वायरस 10 साल से कम के बच्चों को और 60 से 70 साल के बुजुर्गों को ज़्यादा जल्दी अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए हमें सबसे पहले काम ये करना है कि अपने घर में छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घर से बाहर बिना किसी बेहद ज़रूरी काम के नहीं निकलने देना है, और इसके साथ साथ आपको बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि खुद को और अपने परिवार को घर में लॉकडाउन रखना है। अगर किसी ज़रूरी कारणवश घर से जाना भी पड़ता है तो कुछ सावधानियां आपको बरतना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि घर से निकलते वक्त अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाकर ही घर से निकलें, और अगर आप मास्क लेने में असमर्थ हैं तो रुमाल भी बांध सकते हैं या किसी कपड़े से आप अपने मुंह को अच्छे से ढकें, उसके बाद ही बाहर जाएं। और इसके अलावा हाथ मिलाने से आपको बचना है, बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें और पब्लिक प्लेस में कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को कम से कम टच करना पड़े, जैसे कि बस की रेलिंग हो गई, सीट हो गई, और कोशिश ये करनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कम से कम करना पड़े। और इसके अलावा एक सैनिटाइज़र अपने पास रखें और समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, और घर पर आने पर खुद को अच्छे से साफ करें तभी किसी चीज़ को छुएं। याद रहे, साफ सफाई ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त रहे। याद रहे दोस्तों, हमें इस बीमारी को हर हाल में शुरुआती दौर में ही ख़त्म करना है।
और ये जंग हमें हर हाल में जीतनी ही है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और ख़ुद भी जिम्मेदारी लें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है।